गंगापुर सिटी में एन एक्सप्रेस न्यूज की टीम गली कूचों और हर चौराहे पर वर्क करने का कार्य कर रही है, चाहे वो सवेरा हो या फिर रात का अंधेरा हो, और जनता चाहे 10 लोग हों या 2 लोग हों, हरदम प्रयास, जो विधानसभा चुनाव चल रहा है उसका पूरा प्रयास करते हैं कि आम जनता तक वो चीज़ पहुँचे, और जो जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं या फिर वर्तमान में आगे पूरी दौड़ में हैं हर तरह से, और जनता का दिल जीतना चाहते हैं और हर प्रकार से उनका वोट बटोरने का कार्य करना चाहते हैं। तो आज हम लोग इस वक्त एक गांव के अंदर मौजूद हैं और ये एक बड़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और बहुत उत्साह है इनके अंदर के बात करें और अपनी बात को पहुँचाएँ, जनप्रतिनिधि तक पहुँचाएँ। एक नरम और गर्म बिस्तरा छोड़कर ये लोग इस वक्त ये पता नहीं किसकी मोहब्बत में चल के यहाँ पे आए हैं, और चुनाव के दिन ये एक इतना बड़ा जो क्राउड देख रहे हैं, जन सैलाब देख रहे हैं, ये चुनाव की हवा बदल सकता है। तो सबसे पहले भाई साहब आप नाम बताइए। अब्दस खान। ये जो इतनी मोहब्बत और ये चेहरे, हसीक चेहरे दिख रहे हैं, अपना बिस्तर छोड़ के, ये सोने का टाइम रहता है और ये सब लोग यहाँ हैं, वास्तविक ये भीड़ किसके लिए है? ये हमारे इस्माइल भाई के लिए है। इस्माइल जो चुनाव लड़ रहे हैं वो? जी जी, इस्माइल भाई पहले भी चुनाव कभी लड़ा है उन्होंने? हाँ, पहले भी लड़ा था, जब उस टाइम इनको 27,000 वोट मिले थे, अब बढ़ के हमारे 44,000 से ऊपर वोट है मुस्लिम। तो हमने सबने मिल के ये वो करा है कि हम इस्माइल भाई को वोट दें। अच्छा, कितने सालों से यहाँ पे ये चुनाव चल रहे होंगे, और आपकी उम्र के हिसाब से बताइए कि आपने कितने चुनाव देखे हैं यहाँ पे विधानसभा? मैंने 4 चुनाव में हिस्सा लिया है, ये 5वां चुनाव है मेरा। अब 20 साल हो गए हैं जी। तो उसमें कोई आपके समाज का कैंडिडेट कोई कभी आया है? नहीं, पहले ये इस्माइल भाई आया था, फिर दोबारा से यही आए इस्माइल भाई। एक बार बीच में हमारे पूर्व सरपंच अनवार अली साहब भी लड़े थे शायद। तो रहे हैं चुनाव सभी, विजय किसी को हुआ है? नहीं, विजय हुआ ना, हमने कई बार कैंडिडेट हमारा जिताया, कांग्रेस का कैंडिडेट जिताया है, लेकिन इस बार हम कांग्रेस से खपाएँ बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर पर रामकेश मीणा से खपाएँ। क्यों? संख्या बल बताइए, आप कितना संख्या बल है आपका, जो आप मतलब एक उत्साह है आपके अंदर, आप जिता लेंगे उसको, इस्माइल को जिता दोगे आप? जी, हमारी संख्या बल काफ़ी है, 44,000 से 45,000 वोट है हमारे मुस्लिमों के, और इस विधानसभा में हमारी काफ़ी औकात है वोट के माध्यम से। यानी आपका काफ़ी अच्छा परसेंट है यहाँ पे, और फिर इसमें एससी समाज भी है जी, जी, और फिर उसमें माली गुज्जर सारे समाज के लोग हैं। तो कितने लोगों को आपने कन्वेंस किया है या फिर उनको इस्माइल के प्रति प्रभावित किया है जो वोट डाल देंगे इनको? जी, हमारे 45,000 वोट के अलावा हम इतना मादे रखते हैं, 30 से 35,000 और वोट हमें आ सकते हैं, क्योंकि हमसे एससी समाज के लोग काफ़ी मोहब्बत करते हैं, हम भी उनको कोऑपरेट करते हैं, वो भी हमें कोऑपरेट करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप सबकी तरफ से कुछ बात रखना चाहेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, कितने लोगों की तरफ से आप ये बात रख रहे हैं जो आपने रखी है? ये सबसे पूछ लो आप कैमरा लगा के, ये बता दें माध्यम से, नारे के माध्यम से समझना चाहेंगे इस पूरी चीज़ को हम लोग, अगर सभी ने अगर नारा लगाया एक साथ में तो बात सही है। इस्माइल भाई, इस्माइल भाई।